बापू यानी आजाद भारत के रचनाकार और आजाद भारत के पहले शहीद जिनकी शहादत का आज 72वीं वर्षगांठ है। आज भी बापू लोगों के दिल में प्रेरणा बनकर अमर है। उनके विचार आज भी हर भारतीय के लिए ही नहीं पूरी दुनिया के लिए आदर्श है। उनकी पुण्यतिथि पर जगह जगह उनकी प्रतिमाओं पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गयी। आज का दिन देश के लिए काला दिवस की तरह है। एक ऐसे महात्मा जिन्होंने देश की दिशा दशा और देश की उन्नति के लिए हिंदुस्तान का पहला आतंकवादी नाथूराम गोडसे द्वारा शहीद कर दिया गया। आज उन्हीं के शहादत दिवस पर जनाधिकार पार्टी लोकतांत्रिक के तमाम कार्यकर्ता यहाँ मौजूद हुए हैं, उनको नमन करते हैं, उनकी शहादत को सलाम करते हैं। और जो देश में माहौल पैदा हो रहा है गोडसेवाद का, उसके खिलाफ हम लोग प्रण लेते हैं कि जिस तरह महात्मा गांधी जी ने अपनी आहुति दी, अपनी बलिदान दिया, लेकिन ऐसी ताकत के सामने नहीं झुके जो देश को बांटने का, देश की एकता और अखंडता को तोड़ने का काम कर रहे थे। हम लोगों ने आज प्रण लिया है कि देश को हम लोग गांधी के रास्ते पर चलाएंगे और जब तक सांस में सांस है तब तक हम लोग गांधीवादी बनकर इस देश की उन्नति और तरक्की में अपना सहयोग करते रहेंगे। गांधी जी अमर रहे, गांधी जी अमर रहे, गांधी जी अमर रहे, स्वर्गीय बापू अमर रहे, नाथूराम गोडसे जय हिंद, जय भारत, जय। देखिए आज कैंडल जो आपने जलाया है, देखिए आज बापू की 72वीं पुण्यतिथि थी और हम लोगों का ये जो स्थल है लाल बाग अब्दुल हमीद चौक, यहाँ से कैंडल मार्च निकालना था, बापू को श्रद्धांजलि देना था टावर पर जाकर के। लेकिन आज जामिया में आपने देखा होगा कि गोडसे ने फिर से वो अपना दोहरा चरित्र अपनाया और गोली चलाया आज के प्रदर्शनकारियों पे। तो हम शांति वाले लोग हैं, बापू कभी भी हिंसा को नहीं बढ़ावा दिए, अहिंसा के रास्ते पे चले। तो हम लोग पीसफुली तरीके से अब्दुल हमीद चौक पर ही आए, बाबा को महात्मा गांधी को ये सत्याग्रह स्थल भी है जहां हमने इनको श्रद्धांजलि अर्पित किया है। और ये जो सत्याग्रह स्थल है जहां 13 दिनों से काले कानून को लेकर के सत्याग्रह चल रहा है, तो हम लोग श्रद्धांजलि देने के बाद ये शपथ लिए हैं कि ये सत्याग्रह तब तक जारी रहेगा जब तक सरकार ये काला कानून वापिस नहीं ले लेती है। ये देखा एक अनोखा तरीका है, महात्मा गांधी जी के पुण्यतिथि पर कैंडल जला करके उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किया जा रहा है। हमारे कैमरामैन दिखाएंगे आपको, ये कैंडल जल रहा है, आइए।